आज हम निकल चुके हैं आशापुरी मंदिर के लिए, मैं और मेरा भाई बाइक पे। सो आपको दिखाते हैं माँ आशापुरी के मंदिर के रोड और माता जी के करवाते हैं आपको दर्शन। सो पालमपुर आपको आना है, पालमपुर से आपको पंजरुखिया वाली साइड, पंजरुखिया से आप आओगे अगोजर। सो अगोजर से आपको सीधा आशापुरी के लिए आना है। आशापुरी अगोजर से जो है वो 12 किलोमीटर के तकरीबन है। सो रोड जो है वो आपको सिंगली देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी हाइट पे है ये मंदिर, तो इस वजह से रोड जो है वो आपको सिंगली मिलेंगे दोनों तरफ से। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलती है और काफ़ी हाइट पे ये जो मंदिर है माँ आशापुरी का। सो हम पहुँचे बड़े ही आराम से माँ आशापुरी के मंदिर में। ये मेरे भाई का प्लान था, तो हम 12 बजे के तकरीबन निकले थे नंगरोटा से। सो ये देखिए सिंगल रोड। तो बाइक आप जब भी बाइक या गाड़ी में आते तो बड़े ही ध्यान से इस रोड में आपको चलानी पड़ती है, क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा हादसा हुआ था। एक बस थी वो गिर गई थी यहाँ से। सो उस वजह से थोड़ा सा जो है वो आप अपने ध्यान से आएँ जब भी आप इस तरफ को आते हैं माँ आशापुरी मंदिर में। सो अभी हम पहुँच चुके हैं माँ आशापुरी की पार्किंग में, जहाँ पे आपको गाड़ी बाइक जो भी आप ले कह रहे हो यहाँ पे पार्क कर सकते हो। हम आशापुरी मंदिर पहुँच चुके हैं और मेरा भाई जो है वो प्रसाद ले रहा है। आपको दिखाते हैं आशापुरी गांव। ये है मंदिर की सीढ़ियाँ और ये देखिए एक बड़ा ही प्यारा सा गांव। और व्यू देखिए आप। सो ये है पार्किंग सारी, वो लगी हमारी बाइक और ये सारी पार्किंग और ये हैं सीढ़ियाँ पैदल जाने के लिए। सो थोड़ी दूर है, ज़्यादा नहीं है, 500 मीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा पैदल। सो सफ़र जो था वो बाइक का वो काफ़ी अच्छा रहा। रोड भी अभी काफ़ी बढ़िया बना दिए गए हैं, फ़िलहाल अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और सीधा आपको करवाते हैं माता जी के दर्शन माँ आशापुरी के। सो ये हैं शॉप्स प्रसाद की, अगर आप प्रसाद लेना चाहते हो तो। हमने तो नीचे गेट के पास ही ले लिया। सो थोड़ी सी थकावट ज़्यादा हो चुकी है और रास्ता देखिए आप, कितना ही प्यारा रास्ता, घरों में से बीच में से रास्ता। थोड़े से हम थक चुके हैं ज़्यादा और ये पीछे देखिए इसका तो बुरा ही हाल हो गया है। थोड़ी सी ट्रैकिंग है पर लेकिन थकाने वाली ट्रैकिंग है ये, हल्की फुल्की। सो फाइनली मंदिर की पहली झलक ये देखिए, वो सामने माँ आशापुरी जी का मंदिर। मंदिर दिख जाता है तो आपकी सारी थकावट जो है वो दूर हो जाती है। तो यहाँ पर हम उतारेंगे जूते और वो सामने मंदिर। और ये हमारे भाई साहब थोड़े से थक चुके हैं, शक्ल नहीं दिखा रहे हैं। आशापुरी गर्मियों में सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, सर्दियों में 6 बजे से 8 बजे तक मंदिर ओपन रहता है। और ये हमारा प्रसाद। और ये देखिए एक छोटी सी मार्केट और धौलाधार का व्यू सामने, और हमें सूरज भाई लीड करते हुए आगे माँ आशापुरी के दर्शन करवाते हैं जल्दी से जल्दी। माँ आशापुरी का पहला दरबार और ये खूबसूरत वादियों का नज़ारा। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर। माता जय माता दी। कितना ही खूबसूरत व्यू और कितना ही सुंदर मंदिर जो है वो बना हुआ है माँ आशापुरी का। ये देखिए क्या ही खूबसूरत। और ये गांव काफी प्यारा एक मंदिर है ये माँ आशापुरी का, हमारे पालमपुर डिस्ट्रिक्ट में।
ये देखिए हम आए हैं इस रास्ते से, जो आप ये रास्ता देख रहे हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ आशापुरी के मंदिर में आता है उनकी मनोकामनाएं सारी पूरी होती है माँ आशापुरी के आशीर्वाद से। सो जय माता दी। अब मैं करवाता हूँ आपको माता जी के दर्शन, और जो मुझे हिस्ट्री पता है वो आपको बताता हूँ। तो ये जो मंदिर है ये पांडवों ने बनाया था जब पांडव वनवास के दौरान हिमाचल प्रदेश आए थे। तो ये काफ़ी खूबसूरत वादियों में, एक धौलाधार वादियों में बसा हुआ एक मंदिर है माँ आशापुरी जी का। सो जय माता दी। और हमारे जो दर्शन है वो काफ़ी बढ़िया हुए। अगर मैं बात करूं मंदिर का, जो एक बोलते हैं निर्माण जो वो किया था वो राजा 16वीं सदी में किया था, कटोच वंश के राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया था ये मंदिर। तो काफ़ी हाइट पे है ये मंदिर, धौलाधार का जो व्यू है यहाँ से काफ़ी अच्छा आता है। जो भी भक्त जो माता आशापुरी के दर्शन करने आते हैं तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता है उनका, क्योंकि ये जो मंदिर है यहाँ से चारों तरफ का धौलाधार का जो व्यू है काफ़ी अच्छा आता है, तो दिल करता है कि हम घर ही ना जाएं। सो माता सबकी आशाएं पूरी करें, जय माता दी। अभी आपको मैं मंदिर का व्यू दिखाता हूँ चारों तरफ से। आज थोड़ा मौसम जो था वो थोड़ा सा क्लाउडी बना हुआ था, तो इस वजह से धौलाधार का व्यू जो है वो कुछ अच्छा नहीं आया, बट लेकिन आपको मैं मंदिर दिखाता हूँ। मंदिर जो है वो काफ़ी पुराना है, 16वीं सदी से ये बना हुआ है मंदिर, और आप भी आएँ और यहाँ पे माता आशापुरी जी के दर्शन करें। जो भी आपकी मनोकामना है वो माँ आशापुरी आपकी पूरी करेंगे। सो मंदिर के दर्शन करने के बाद अभी हम जाएंगे, एक वैष्णो देवी जी की गुफा है और माँ आशापुरी जी को माता वैष्णो देवी का स्वरूप माना जाता है। तो अभी हम लेके चलते हैं आपको उस गुफा में जो आशापुरी से 3 किलोमीटर, ठीक 3 किलोमीटर नीचे एक गाँव में है। तो अभी हम आपको सीधा वहीं पर मिलेंगे। सो जय माता दी। तो माँ आशापुरी के दर्शन जो है वो काफ़ी बढ़िया हुए। अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ को, एक गुफा है शिवजी जी की। सो अगर वो ओपन होगी तो वहाँ पे भी लेके जाएंगे, आशापुरी मंदिर से करीब 3 किलोमीटर नीचे, तो वहाँ लेके चलते हैं अभी। सो आपके भी मैंने दर्शन कराए माँ आशापुरी के, काफ़ी बढ़िया दर्शन हुए हमारे। सो सबको जय माता दी। तो मिलते हैं सीधा अभी शिवजी जी की गुफा में। अभी हम गुफा के पास आ चुके हैं, तो माँ वैष्णो देवी जी की ये गुफा है, पावन गुफा। तो मुझे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये शिव जी जी की है। सो वो रहा माँ आशापुरी का मंदिर, और यहाँ से ये रास्ता आता है नीचे को 3 किलोमीटर नीचे। सो अभी चलते हैं गुफा के अंदर, आपको भी दिखाते हैं ये रास्ता बोले। सो आ चुके हैं माँ वैष्णो देवी गुफा के पास। सो अभी हम गुफा में फंसे हुए हैं, जय माता दी की बोलते जाना है। जय माता दी आई आइया जय माता दी। और नहीं आंटी जी, और पजा दे ओदे हुन जी। जय माता दी, वेरी गुड। आ किड़िया पीछे बोल आगे चल। जग लगे भी नहीं थे आइए। जय माता दी। जो अब लेके जा रहे हैं हम आपको शिव जी की जटा है, जहाँ पे शिव जी के डमरू और शिव जी की जटा है।
इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, बट आपको मैं अभी दिखाता हूँ। टनल के नहीं, गुफा के जस्ट ऊपर ही है वो जगह, और यहाँ पे भंडारा भी होता है। सो आपको लेके चलते हैं एक रहस्यमयी जगह पे, आशापुरी के पास ही। और ये मेरे भाई आता हुआ, क्या हाँ हाँ यहाँ से आपको लग रहा होगा कि शायद ये पत्थर है एक, पर इस पत्थर के पीछे का रहस्य आपको मैं दिखाता हूँ। मेरे साथ बने रहिए, कैमरामैन रोहित के साथ संभाददाता सूरज कुमार, कैमरामैन कभी कभी ये भी बन जाते हैं, वो सामने आशापुरी मंदिर, और ये हमारे सूरज कुमार। माता वैष्णो देवी की गुफा से हम दर्शन करके आए, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ। एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप घबरा जाते हो, लेकिन आपको घबराने नहीं है, जय माता दी बोलना है और आगे की तरफ बढ़ते रहना। तो अब हम आपको दिखाते हैं शिव जी का डमरू जो खुद बजता है बरसातों के टाइम। सो ये देखिए आप, वो सामने जहाँ पे लाइट चलती हुई दिख रही है, उस पॉइंट पे जाना है। और हमारे सूरज भाई काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए माता जी के दर्शन करने के बाद। और वो देखिए सामने वैष्णो देवी जी की गुफा। सो जय माता दी सब भक्तों को, इसी तरह मेरे YouTube चैनल को प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यार। अभी हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे। हाँ हाँ कौन गया खुदा जटा का, हाँ दही दह देख। ये देखिए शिव जी जी के, जैसे आपने चंदा आए तो उतारने ना चंदा, और ये जटा आपको मैं दिखाता हूँ और डमरू भी दिखाएंगे। फिलहाल ये देखिए, सो ये देखिए, ये शिव जी जी की गुफा होती थी, और ये शिव जी जी की शिवलिंग होती थी। और ये देखिए बिल्कुल गाय के ठंड के जैसे। तो यहाँ पे बरसातों में पानी, पहले दूध आता था काफ़ी सदी पहले, जितना मुझे जानकारी है मैं उतना आपको बता दूंगा। बाकी आप यहाँ पे आके एक बार दर्शन करें इस गुफा के, और आपका जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होगा, और काफ़ी ज़्यादा आपको एक शांति मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है जब मैं इस जगह पे आता हूँ। इस एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ, बरसातों में जो है यहाँ पे डमरू सुनने को मिलता है। इस जगह पे आप देखिए ये शिव जी की जटा जैसे बिल्कुल बना हुआ है, और यहाँ पे डमरू बजता है जब बारिश होती है या बरसातें होती हैं ऑटोमेटिक। आपको मैं नाग देवता जी दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे शिव जी जी विराजमान। ये देखिए जय भोलेनाथ जी की, भोलेनाथ भोलेनाथ सबके साथ भोलेनाथ। ऐसे मस्तक पे चंद, सो वो सामने रही शिव जी जी की जटा, वो आप देख रहे हैं वो सामने, और नीचे माँ वैष्णो देवी जी की गुफा। सो जितना मेरे को पता था मैंने उतना आपको बता दिया। तो फिलहाल अभी चलते हैं घर, और सूरज भाई आगे जा रहे हैं, वो बाइक हमारी, वो बुलेट हमारा लगा हुआ नया। तो सबको जय माता दी एंड जय भोलेनाथ की, जय माता दी। सो अभी हमारे जो दर्शन है वो काफ़ी बढ़िया हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं ये माता वैष्णो देवी की टनल गुफा, और ऊपर शिव जी की जटाएँ जो मैंने आपको दिखाई, जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। माँ आशापुरी से 3 किलोमीटर नीचे, सो माँ आशापुरी का जो मंदिर है वो सामने आप टावर देख रहे हैं वहाँ पे है। तो काफ़ी ज़्यादा मन जो है वो शांत होता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होता है जब मैं यहाँ पे आता हूँ। पहले भी आया था और अब भी, तो काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। सो सबको जय माता दी, और आप भी ट्राई करना कि एक बार ज़रूर आशापुरी आना। सो माँ जो है वो हमारी सबकी आशा पूरी करती हैं। सो जय माता दी।